बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी के गौरीगंज के पास काले झंडे दिखाए गए। आपको बता दें, राहुल गांधी को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मौके से हटा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 2 दिन के अमेठी दौरे पर है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह का हंगामा यहां पर था। यहीं से गुजर रहा था काफिला राहुल गांधी का और यहीं पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए और यहीं पर काले झंडे दिखाए गए राहुल गांधी को। हमारे संवाददाता मोहसिन हैदर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन, क्या किस तरह से हुई ये पूरी घटना? देखिए अबुल, जिस तरह से 4 राज्यों में कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है, जिसके बाद से कांग्रेस की साख लगातार गिर रही है, और इसी बीच कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी अपनी बहन के साथ आज 2 दिन के दौरे पे यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी बहुत ही देर में तकरीबन 5-5:30 बजे शाम को पहुंचे हैं आज यहाँ पर, और उसके बाद जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया हुआ था, जायस के पास कुछ लोग इकट्ठा थे जो आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए खड़े हुए थे। वो लोग कुमार विश्वास जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, और दूसरी तरफ वही जायस में कांग्रेस के वर्कर्स भी केजरीवाल और कुमार विश्वास मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये काफिला जैसे ही आगे बढ़ता है, इस वक्त जो है राहुल गांधी गौरीगंज में मौजूद है और गौरीगंज में अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फौरन। गौरीगंज जहाँ पर वो मौजूद है, बाहर भारतीय किसान यूनियन के कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने काले झंडे दिखाए और ज्यादा महिलाएं उसके अंदर थी, उसके बाद वो लोग यहाँ पर जहाँ राहुल गांधी का प्रोग्राम है वहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जो है कांग्रेस के वर्कर्स भी अग्रेसिव हो गए और दोनों के बीच नारेबाजियां शुरू हो गई, और उसके बीच कांग्रेस के वर्कर्स ने और आम आदमी वर्कर्स ने आपस में झड़प भी किया। उसके बाद फौरन वहाँ पर एसपीजी के लोग पहुंचे, पुलिस के लोग पहुंचे, उन्होंने वहां से उनको फौरन भारतीय किसान यूनियन के वर्कर्स को हटाया है। उसके बाद अभी भी वहां पर काफी संख्या में पुलिस मुस्तैद है, और अभी कह सकते हैं कि राहुल गांधी पूरे मसले को लेकर कि उनका मुद्दा क्या है। जहां उनका कार्यक्रम होना था, ये वहां की तस्वीरें हैं या फिर उनका जो पूरा काफिला है उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की गई? क्योंकि इन तस्वीरों में हमें सिर्फ एक भीड़ नजर आती है और पुलिस वाले उन्हें काबू करते हुए। देखिए आज राहुल गांधी तकरीबन जब 5:30 बजे पहुंचे हैं, तब से अब तक 2 बार इनको यहां पर विरोध का सामना करना पड़ा है। जायस में कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने जब से यहां पर 2 बार सिटिंग एमपी है, लेकिन यहां पर कुछ भी तरक्की नहीं किया यहां जायस के लोगों के लिए। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब ये अभी जहां पर राहुल गांधी का जो प्रोग्राम चल रहा है वो गौरीगंज में चल रहा है, और ये जो भारतीय किसान यूनियन के लोग थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए, ये गौरीगंज में हुआ है और यहाँ पर ही झड़प हुई है। जी, क्या 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 मांगे हैं इनकी विकास के अलावा? देखिए जाहिर तौर पे जिस तरह से अमेठी में नजर पहली बार आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक जमीन की जंग छिड़ गई है। कुमार विश्वास पिछले कई दिनों से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि हम यहाँ पर अब अपना घर बनाएंगे, अमेठी को जीत के दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर नजर आ रहा है। जिस अमेठी ने हमेशा से ही कांग्रेस के परिवार को सराखों पर बैठाया है, इस बार थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। कभी भी कोई भी पार्टी यहाँ पर अमेठी में कैंडिडेट को जीतने के बारे में सोचती ही नहीं थी, लेकिन आज का नजारा कुछ और था। अब लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहुल के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जिसका नजारा आज साफ तौर पे नजर आ रहा है, जो जिस तरह से यहाँ पर विरोध देखना पड़ा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन इस पूरी जानकारी के लिए।